देश भर च हौली हौली ठंड वधन लगी है। दक्षिणी पछमी मानसून ने अलविदा कह दिता है और उत्तर पूर्वी मानसून सरगर्म हो गया है। फिलहाल मौसम च मिलिया जुलिया प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिथे दक्षिणी भारत के राज्यों में भारी मीह तेज हवावां चल रही ने, इस नाल उत्तरी भारत में ठंड वधन लगी है। सवेरे और शाम को ठंड वध गई है और ठंडी हवा का झक्खड़ महसूस होने लगा है। दिल्ली च वध रही स्मॉग की समस्या कारण ठंड के नाल नाल नमी भी लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली में सवेरे और शाम को ठंड होती है, जो दिन वेले सूरज निकलता है तो तापमान बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने आज 7 सूबों के भारी मीह का अलर्ट किया है। इस नाल ही इस हफ्ते उत्तरी भारत में दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। चक्रवाती तूफान और मीह की चेतावनी मौसम विभाग मुताबिक अंडेमान सागर च चक्रवाती सर्कुलेशन सरगर्म हो गया है। इस तो पहला बंगाल की खाड़ी में एक घट दबाव वाला खेत्र बन गया सी, जो हुण उत्तर पछमी दिशा में वधेगा। 23 अक्तूबर के आसपास चक्रवाती चक्कर में बदल जाएगा। इस कारण अज अते भलके अंडेमान निकोबार अते आसपास के इलाकों में 35 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल हवावां चलणगियां। 22 तो लैके 24 अक्तूबर तक उड़ीसा में 35 तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलणगियां। इस दौरान 20 तो लैके 26 अक्तूबर दरमियान अंडेमान अते निकोबार द्वीप समूह, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पछमी बंगाल के भारी मीह पै सकता है। अजिही स्थिति में मछेरियां ते सैलानियों नूं समुद्री किनारे ना जाने की सलाह दी गई है ते नाल ही इन्हां सूबियां की यात्रा तो बचण की सलाह भी दी गई है, क्योंकि खराब मौसम कारण उन्हां नूं मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द TVNRI। देश भर च हौली हौली ठंड वधन लगी है। दक्षिणी पछमी मानसून ने अलविदा कह दिता है और उत्तर पूर्वी मानसून सरगर्म हो गया है। फिलहाल मौसम च मिलिया जुलिया प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिथे दक्षिणी भारत के राज्यों में भारी मीह तेज हवावां चल रही ने, इस नाल उत्तरी भारत में ठंड वधन लगी है। सवेरे और शाम को ठंड वध गई है और ठंडी हवा का झक्खड़ महसूस होने लगा है। दिल्ली च वध रही स्मॉग की समस्या कारण ठंड के नाल नाल नमी भी लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली में सवेरे और शाम को ठंड होती है, पर जो दिन वेले सूरज निकलता है तो तापमान बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने आज 7 सूबों के भारी मीह का अलर्ट किया है। इस नाल ही इस हफ्ते उत्तरी भारत में दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। चक्रवाती तूफान और मीह की चेतावनी मौसम विभाग मुताबिक अंडेमान सागर च चक्रवाती सर्कुलेशन सरगर्म हो गया है। इस तो पहला बंगाल की खाड़ी में एक घट दबाव वाला खेत्र बन गया सी, जो हुण उत्तर पछमी दिशा में वधेगा। 23 अक्तूबर के आसपास चक्रवाती चक्कर में बदल जाएगा। इस कारण अज अते भलके अंडेमान निकोबार अते आसपास के इलाकों में 35 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल हवावां चलणगियां। 22 तो लैके 24 अक्तूबर तक उड़ीसा में 35 तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलणगियां। इस दौरान 20 तो लैके 26 अक्तूबर दरमियान अंडेमान अते निकोबार द्वीप समूह, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पछमी बंगाल के भारी मीह पै सकता है। अजिही स्थिति में मछेरियां ते सैलानियों नूं समुद्री किनारे ना जाने की सलाह दी गई है ते नाल ही इन्हां सूबियां की यात्रा तो बचण की सलाह भी दी गई है, क्योंकि खराब मौसम कारण उन्हां नूं मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द TVNRI।